भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है ना, तो उसके हाथ में वो ताकत नहीं बची है। आज भैयावती करने आते हैं ये नौजवान मेरे, उनके हाथों में कुछ ताकत ही नहीं होती है। ऐसी भैयावती कर रहे, ऐसी कर रहे, उनका हाथ यदि मुझे टच करते हैं तो लगता ही नहीं किसी लड़के का हाथ है, किसी मर्द का हाथ है। ध्यान रखिए, मर्द का हाथ तो वो होता है कि एक हाथ मारता है और चट्टान के टुकड़े करने के लिए हौसले रखा करता हो। ध्यान, फौलादी बनिए। अब ढीले ढीले पूछे पूछे लोगों से कुछ नहीं होगा, अब लोह पुरुष बन करके तुम्हें दुनिया में खड़े होना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, तुमने कहावत सुनी होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती है। मालिक खड़ा खड़ा देखता रहता है, लाठी वाला भैंस को लेकर चला जाता। ताकत पैदा करिए अपने अंदर। क्यों नहीं बदल सकते अपने घर को? क्यों अपने नरक जैसे घर को आप स्वर्ग नहीं बना सकते हैं? आदमी सोचता है मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता, मैं अपने व्यवहार नहीं बदल सकता। अरे क्यों नहीं बदल सकता भाई? दो तरह के लोग होते हैं, एक बूढ़ा आदमी होता है और एक जवान आदमी होता है। जानते हो जवान कौन होता है, किसे कहते हैं जवान? मालूम कौन होता है जवान और कौन होता है बूढ़ा? मैं तो इतना ही जान पाया हूं, जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में भी ये कहे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे बस का बात नहीं है, समझना वो आदमी 23 साल में भी बूढ़ा हो चुका है। और जो 80 साल में भी कहता है कि मेरा जमाना पहले भी था और मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी मेरी नजरों में 23 साल का जवान। कैसे चला जाएगा समय? जो कहता है हमारे दिन चले गए, बूढ़ा हो गया आदमी, बूढ़ी सोच हो गई उसकी। जो कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, भरी जवानी में बुढ़ापे को ठो रहा है अपने सिर पर। ध्यान रखिए, और एक 80 साल की दादाजी भी कहते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो 80 साल में भी जवानी का पुरुषार्थ दिखाया करते हैं। मानवर सोचना है, ये देखिए जिन लोगों को 50% सफलता मिली है, मैं सोचता हूं कि उन्होंने 50% शक्ति लगाई है इसलिए 50% सफलता मिली है। और जो लोग पूर्ण सफल होते हैं उन्होंने 100% से ज्यादा अपनी शक्ति लगा दी इसलिए आज उन्हें 100% सफलताएं मिला करती हैं। एक बात महिलाएं जानती होंगी कि पानी भाप कब बनता है? बोलिए, जब उसको गर्म किया जाता है। एक बात याद रखना, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता, जब पानी खोलता है तब भाप बन करके ऊपर जाता है। तो जिन लोगों के विचार गुनगुने होते हैं, जिन लोगों के विचार पूरी तरह से तपते नहीं हैं, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं किया करते हैं। गुनगुने विचार वाले कभी जीवन की ऊंचाइयां नहीं पा सकते हैं। भाप बनना है तो पानी को 100 डिग्री से ऊपर जाकर खोलना पड़ेगा, तब जाकर पानी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया कर। गुनगुने विचार मत रखिए, हौसले रखिए। ध्यान रखना, हौसले जिनके बुलंद हुआ करते हैं वो आंधियों में चिराग जलाया करते हैं। ध्यान रखिए, आले के भीतर चिराग जलाया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? चिराग जलाना तो वो है कि भरे तूफान के बीच भी कोई मुंडेर पर जलता हुआ चिराग तूफान से कह रहा है मुझको बुझा के देख। ध्यान रखिए, मान्यवर सफलताएं प्राप्त करिए। नेपोलियन बोनापार्ट्स का नाम सुना होगा, अल्पास की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है। एक बुढ़िया ने उसे रोका कि नेपोलियन तुम पागल हो गए हो, ये कोई पहाड़ी या टीला नहीं है, अल्पास की चोटियों को छूना
सबके बस की बात नहीं है। लौट जाओ तुम वापिस, तुमसे ये काम ना हो सकेगा। तुम दुबले पतले आदमी क्या अल्पास की चोटियों पर पहुंचोगे? नेपोलियन बोनापार्ट्स ने उस बुढ़िया मां को देखा, वो बड़ी तीखी निगाहों से देखा। बुढ़िया ने कहा, मैं कहती हूं बहुत पछताओगे तुम, कभी भी उन चोटियों पर नहीं पहुंच सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट्स ने कहा कि मां तू मुझे जानती नहीं है। बोली, क्या जानना, तू दिखाई दे रहा मरियल साहब? उसने कहा, मां मेरे जीवन की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। और जब से मैंने अपने जीवन की डिक्शनरी लिखना सीखी है, मैंने असंभव और ना और नामुमकिन जैसे शब्दों को निकाल करके फेंक दिया है। ये अल्पास की पहाड़ियां क्या है, यदि नेपोलियन चाहे तो चांद तक पहुंचने की ताकत रखा करता है। अल्पास की पहाड़ियां जहां बहुत नीची रह जाया करती हैं। बुढ़िया ने ऊपर से नीचे तक देखा और जाकर के उसके सिर पे हाथ रखा कि जिस बच्चे के मन में इतने बड़े हौसले होते हैं, अरे अल्पास भी उसे अपने चरणों में शीस झुका दिया करता है। और आपको मालूम होना चाहिए, नेपोलियन बोनापार्ट अपने हौसलों के दम पर अल्पास की पहाड़ियों में जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लिया। ये क्या है, ये जज्बा है, ये भीतर की इच्छा शक्ति है। लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, अरे नादानों, यदि ये सोच रही तो चौथे काल में भी तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं है। जिन्हें पाना है वो पंचम काल में भी पा लिया करते हैं। लोग कहते हैं बुढ़ापे में संयम नहीं लिया जाता है, जवानी में कैसे संयम लेते हैं मेरी तरफ देखो, और बुढ़ापे में कैसे संयम लेते हैं जरा इनकी तरफ देखने का इशारा करिए। दोनों उदाहरण यहां पर बैठे हुए हैं आपके। कौन कहता है हमसे ये नहीं हो सकता है? एक पिता अपने बच्चे से कहता है, जा बेटा बाजार जा और ताजा ब्रेड लेकर के आना। बच्चा पहले ही सोचने लगता है, ताजा नहीं मिला तो गया, और नहीं मिला बाजार में ताजा तो। अब सोचिए ऐसे सोच वाले लोग जो करने से पहले हार जाया करते हैं, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। तुम बाजार गए नहीं हो, दुकान देखा नहीं है, यहीं से सारे उत्तर दे देते हो। मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं कहता हूं ऐसा काम कर दीजिए, नहीं हुआ तो। अरे मैंने कहा भाई काम तो करो, ऐसे कैसे नहीं होगा। छात्रावास में पंडाल बनाइए, व्यवस्थित करिए, लोग नहीं आए तो तेरे की। यदि ऐसा मैं सोच लेता तभी उसी कमरे में बैठ के समय सार पढ़ना होता और कुछ नहीं कर रहा होता। ध्यान रखिए, कौन कहता है लोग नहीं आएंगे। आज झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक बुलाने वाला। क्यों नहीं आएंगे लोग?